हाय हैप्पी संडे। हैप्पी संडे है नहीं क्योंकि फुल बिजी शेड्यूल। डिनर रेडी हो गया, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये लग गया जोशी जी का, क्योंकि जोशी जी का ऑफिस है तो हमारा फिर वही रोज का रूटीन है। रेडी ये नाश्ता जा रहा है जोशी जी। जोशी जी आ गए हैं यहाँ पर, ही इज रेडी फॉर ऑफिस। चलिए तो इधर हम जल्दी से निपटा लेते हैं अपने नाश्ते का काम। इधर जल्दी से निपटा लेते हैं और आज बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे काम है। चलते हैं आपके साथ संडे व्लॉग में। तो अभी तो मॉर्निंग का 8 हो गया था, मैं इसको लेके आ गई थी छत पे, क्योंकि इसको छत पे आना था सिजू के साथ। सिजू हमारा पेट है, अभी नीचे चला गया, तो इसको भी मैं थोड़ा सा लेके आ गई, क्योंकि सबसे टफ काम होता है इनको खाना खिलाना। 1 घंटा लग जाता है, मतलब मैं सारे काम कर सकती हूँ बट इसको खाना खिलाना वो काम सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो इसको मैं अभी छत पे लेकर के आई हूँ और इसके बाद वन बाय वन बहुत सारी प्लानिंग है। तो मैं कैसे करती हूँ अपने कामों को कि मैं शेड्यूल कर लेती हूँ, यानी जब भी जो भी अपकमिंग रहता है वीक, उसमें अगर संडे ही आता है और अगर कोई ऑफ आ रहा है तो उस दिन मुझे क्या करना है, तो एक दिन पहले ही, नॉट इवन वन डे बिफोर, इनफैक्ट हॉलीडे लिस्ट हमारे पास होता है तो मालूम होता है कि भाई ये छुट्टी कब होनी है, कोई छुट्टी बीच में आ रही है, अगर आ रही है तो उसको कैसे प्लान करना है, उसमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेती हूँ। और उसमें फिर मैं प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ कि पहले क्या कंप्लीट करना ज़रूरी है। जिससे आज संडे के प्लान में मेरी मॉर्निंग का भी सारा रूटीन जो डेली शेड्यूल का रहता है वो कंप्लीट हो गया, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी, ये सब कुछ। तो अभी मेरे जो कपड़े मैंने निकाले थे दिवाली के नेक्स्ट डे में, उस दिन मैंने सोचा था कि मैं मेन करूँगी बट सभी धूप दिखा दी थी बट सारे मेरे संभल नहीं पाए, मैंने वापस से उनको धूप दिखाई। इसके लिस्ट में प्लान में है कि वो कपड़े करने हैं, मृदुल का प्रोजेक्ट रेडी करना है और कपड़ों को सेट करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा एक अलमारी और रिक्वायर्ड हो रहा था, वो हम मार्केट जा करके कुछ सामान लेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। तो करते हैं वन बाई वन टास्क। तो आप लोग भी, बेटर होता है कि जब हम डे वन बिफोर डायरी बना करके उसमें लिख ले चीज़ें कि ये चीज़ें मुझे करनी है, उससे क्या होता है हमारा काम ना एक बहुत ही प्रॉपर वे में और मैनेज्ड तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हो पाता तो फैला लगता है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनफैक्ट इरिटेट हो जाते हैं कि काम ही नहीं हो पा रहा है तरीके से। तो बेस्ट मेथड है कि प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे हम कामों को करते चलें और जो भी ऑफ आता है उसमें हम स्पेशल हमारे जो भी टास्क रहते हैं उनको टारगेट करके वन बाय वन निपटाते चलें। तो इस तरह से मैं अपनी प्लानिंग करती हूँ। तो चलते हैं अपने टास्क कंप्लीट करने। अभी तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा खिला करके अभी जाते हैं नीचे और देखते हैं वन बाय वन कितना कंप्लीट हो पाता है। तो कुछ कपड़े 2 बैग में रखा है अंदर, ये बैग इधर है और इधर कुछ स्वेटर्स, ये दादा दादी के बना करके पैक हो गई हैं बेटियाँ, और ये तो धुले हुए कपड़े हैं और धुले कपड़े भी सूख रहे हैं और इधर। तो ये अब हमने समय लिया है, 2 बैग रख रही है अंदर, और इसमें मैंने क्या करा है कि जो थोड़े से मोटर हैं यानी इस तरह की जैकेट्स जो हैं इनकी ज़रूरत तो भी है नहीं, दिसंबर में ही ज़रूरत पड़ती है, तो इनको मैंने बच्चों का भी पैक करा दिया, अलग हमारा भी बना के साइड कर दिया है, तो इनको मैं सेपरेटली रखूँगी जहाँ पर रोज नहीं निकालना है। और ये जो हल्की सी लेयर वाले हैं ना, तो अभी इनकी ज़रूरत होने लगी है, रात को ठंड होने लगी है, सुबह को ठंड होने लगी है, और सुबह सुबह हम लोग स्कूल भागते हैं तो भी चाहिए होता है, तो उस समय ढूंढने का तो टाइम ही नहीं बचता, बस खींचो पहनो भागो होता है। तो इस तरह के जो हल्के वाले हैं इनको मैं फ्रंट पे आज संभाल लूँगी, ये ज़रूरी है अभी, और वो नेक्स्ट मंथ तक ही ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैं अभी बैक फ्रंट पर रख रही हूँ, तो फिर हम उनको सेट करेंगे। तो अभी मैं हल्के हल्के वाले मैंने ये सेट कर लिए हैं, कुछ हो गए हैं कुछ और कर रहे हैं, जिनका लंच वंच निपटा करके 2 बज चुका है, तो ये वाला काम हम निपटा ले रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे मार्केट, हमें करनी है थोड़ा सा शॉपिंग। अभी हम आए मार्केट तो अलमीरा देखने के लिए, चेक करते हैं एक वाइट, ये सही लग रहा है, बहुत सारी वैरायटीज देखी तो मुझे सिंपल सोवर ये समझ आ रहा था, क्योंकि ये मेरी वॉल्स के साथ जा। तो आज के प्लान टास्क काफ़ी कुछ निपटा लिए, जो अभी रिक्वायर्ड थे वुलन क्लोथ्स वो सेट हो गए हैं, ये प्रोजेक्ट का सामान हम लेकर के आ गए थे, चीज़ें अरेंज कर ली जो जो हमें चाहिए थी, बट अभी पूरा नहीं हो पाया है। आई विल शेयर अ सेपरेट ब्लॉग विद यू मृदुल के साथ उसका प्रोजेक्ट और विद प्रेजेंटेशन, तो ठीक है, तो सेपरेट ब्लॉग ही मैं आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद हम मार्केट चले गए थे, जो घर की चीज़ें लानी थी, साग सब्जी फल लाने थे वो लेके आ गए थे, और साथ ही हम निकले मार्केट पास में ही और हमने अलमीरा देख ली थी, पसंद करके दे दी। इस तरह से जब चीज़ें हम प्रॉपर प्लान में करते हैं तो टाइमली हमारे काम हो जाते हैं, सारे काम निपट जाते हैं और
प्रॉपरली हमें चीज़ें मिल भी जाती हैं जगह पे और फैला हुआ नहीं रहता, प्रॉपर मैनेज रहती हैं चीज़ें घर पे, घर भी प्रेजेंटेबल रहता है बना हुआ, क्योंकि उसको भी टाइम देना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम वर्किंग हैं तो घर और जॉब दोनों को मैनेज करना तभी पॉसिबल है जब हम उसको प्लांट वे में और स्पेशली एटलीस्ट वीकली डायरी में हम मैनेज कर लेते हैं उसको कि ये चीज़ें शेड्यूल में और करनी है। तो कुछ ये बेसिक स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही स्मूथली हमारे सारे काम निकल जाते हैं और हर एक काम के लिए हम टाइम मैनेज कर। 9:30 हो चुका है, मेरा डिनर विनर सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, अभी बच्चों को खिला करके पहले इनको सुलाते हैं और फिर मैं ये वीडियो अपना आज का ब्लॉग एडिट करके आपसे शेयर करती हूँ। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आपको जरूर मुझे बताइएगा एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल बी विद पीनू। मिलते हैं फिर से दोबारा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।